पुलिस लाइन भी चोरों से सुरक्षित नहीं। पुलिस लाइन में आरआई निवास से चंदन का पेड़ चोरी हो गया। चोरों ने यह वारदात शनिवार रविवार की रात में की। इस मामले में आरआई मिलन जैन ने सिविल लाइन थाने में सूचना दी। पेड़ करीब 30 साल पुराना बताया जा रहा है। इसकी कीमत का अंदाजा अभी पुलिस को नहीं है। वही जानकारी बताते हैं कि 30 साल पुराना पेड़ की कीमत करीब 4 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। पुलिस लाइन को किसी भी जिले में सबसे सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि पुलिस के सिपाही से लेकर बड़े अधिकारी तक वहां रहते हैं। ऐसे में पुलिस लाइन के मुखिया मिलन जैन के निवास से चंदन का पेड़ चोरी किए जाने की वारदात ने पुलिस पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। थाने में सूचना दी है कि आरआई मिलन जैन का कहना है कि निवास के बाहर चंदन का पेड़ चोरी हुआ है। इस संबंध में सिविल लाइन्स थाने में सूचना दी है। चोरों के बारे में जानकारी सिविल लाइन्स पुलिस दे पाएगी। सिविल लाइन्स थाना प्रभारी कमलेश सोनी का कहना है कि चंदन का पेड़ चोरी हुआ है। इस मामले की जांच कराई जा रही है। विदिशा से सोनू नेमदेव की रिपोर्ट। सर कहीं ना कहीं देखा जाए ये तो मतलब पुलिस के ही घर में चोरी बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी मिलीभगत से ऐसा काम हुआ है। इस संबंध में भी जांच की जा रही है कि किसी की मिलीभगत तो नहीं है।